टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट कैसे होती है? तो एनिमल्स के अंदर एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है, यानी मसल्स और स्केलेटन का सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हमें मूव करने में हेल्प करता है। जबकि प्लांट्स के अंदर किस तरह का सपोर्ट सिस्टम था? उसमें टफ फाइबर्स थे जो उनको सपोर्ट करते थे। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम एनिमल्स के अंदर है, ये जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है चेंज है। इस स्पेसिस पे हमने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। तो स्केलेटन एक टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, जो हमें प्रोटेक्शन शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। फॉर एग्जांपल, आपका स्कल जो है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से हमारा रिब केज हमारे हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा आपकी जो बॉडी की आपको प्रॉपर शेप नज़र आती है, वो भी हमारे बॉडी में जो एक फ्रेमवर्क है बोन्स का, उसकी वजह से हमें शेप नज़र आती है। और जो हम लोग चलते फिरते हैं, हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम स्केलेटन और मसल्स की मदद से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है जो बोन्स से बना हुआ है, या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें बोन्स का नहीं बना हुआ, किसी और चीज़ से बना हुआ है, तो ये कौन से केमिकल्स हैं, कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे ये बना है? तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। प्रोटोजोअन्स जो आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जस्ट एक ही सेल होता है, तो इसीलिए उनका वो सिंगल सेल ही उनका स्केलेटन जो है उसको सिक्रीट करता है। जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि खास तौर पे इस स्केलेटन को ही सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है स्केलेटन की, वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये एक फ्लेक्सिबल स्केलेटन सपोर्टेड बाय फ्लूइड होता है। तो ये स्केलेटन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? फ्लूइड प्रेशर। तो एनिमल्स जिसके अंदर हार्ड स्केलेटन नहीं होता, लाइक बोनी स्केलेटन नहीं होता, उनके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी कैविटी होती है जो ना सिर्फ डाइजेशन में इन्वॉल्व है, बल्कि सर्कुलेशन ऑफ मटीरियल्स में भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी काम करती है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या प्रोवाइड करता है इन एनिमल्स को? सपोर्ट। और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है कंपोज्ड होता है दो तरह के मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पे। तो इस तरह का स्केलेटन जो है, इसके अंदर जो मसल्स हैं वो इन एनिमल्स की मोटिलिटी यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही है जो इन एनिमल्स को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये स्केलेटन जो है पाया जाता है निडेरियंस, एनालिड्स एंड सॉफ्ट बॉडीड इन वर्टिब्रेट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है सी एनीमोन की। सी एनीमोन के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। इसके अंदर जो एक कैविटी है वो फिल होती है सी वाटर से। तो यहाँ पे सी वाटर जो है वो एज अ फ्लूइड काम कर रहा है, जो कि प्रेशर प्रोवाइड करता है फॉर सपोर्ट, जैसे हमें यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा है। ये एक कैविटी है और इसके माउथ एरिया पे देखें टेंटिकल्स मौजूद हैं। तो ये क्या करता है, अपने टेंटिकल्स और बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है आगे की तरफ, और इसका जो माउथ होता है वो इन टेंटिकल्स के बीच में होता है। उस माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग और बॉडी की एक्सटेंडिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब अगर जो इनके सर्कुलर मसल्स हैं, जो इनकी बॉडी के इर्द गिर्द सर्कल्स में अरेंज हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो लंबाई के रुख जो हैं वो अरेंज्ड होंगे। अब जब ये सर्कुलर मसल्स जो हैं
कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो कि वाटर है, सी वाटर है, उस पे प्रेशर पड़ेगा और इसकी बॉडी एक्सटेंड होगी आगे की तरफ। बॉडी भी और इसके टेंटिकल्स भी आगे की तरफ को एक्सटेंड होंगे और ये हमें जो है स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ नजर आएगा। अब इसी की एग्जांपल नीचे ले लें, बी में। अब यहाँ पे ये हमें बिल्कुल जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल नीचे की तरफ बैठा हुआ है। ये किस तरह से हुआ है, जब सर्कुलर मसल्स जो हैं वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये एक्सटेंड होने की भी जाएगा और जब वो शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल अर्थ फॉर्म की। अर्थ फॉर्म के अंदर जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, और हर कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स जो हैं सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं, इनके बीच में वॉल्स होती हैं जिन्हें हम सेप्टा कहते हैं। इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होती है सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। ये सर्कुलर मसल्स इनकी बॉडी के इर्द गिर्द सर्कल्स में अरेंज्ड हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस तरह से लंबाई के रूप। जब सर्कुलर मसल रिलैक्स होगा तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा लेंथ में। इसी तरह से जिन सेप्टास के अंदर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये सेप्टा इलोंगेटेड हो जाएंगे और क्या हो जाएंगी, वाइड नहीं होंगे बल्कि श्रिंक हो जाएंगे। तो इनकी वजह से, इन ऑल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अर्थ फॉर्म जो है आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे हमें यहाँ पिक्चर में भी ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आपको एक वेव नजर आ रही है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की। इसके अलावा इनके पास कुछ सीटी होते हैं जो हस्टी फेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं।